इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है मारुति सुजुकी। गाड़ी की लाइन में एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं। आम आदमी तक गाड़ी के बारे में जो एक सपना था उस समय, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फेट और अम्बेसडर दो ही हिंदुस्तान मोटर कंपनी दो ही कंपनियां होती थी, उसके बाद ये मारुति सुजुकी कंपनी आई। संजय गांधी ने और ने सबने सोचा इसका क्या नाम रखा जाए, तो उनको आई क्योंकि ये गाड़ी जो पहले अपनी गाड़ी आती थी अम्बेसडर आती थी या फिएट आती थी, तो आपने देखा होगा लोग उसको कई देर तक स्टार्ट करते थे, फिर हूँ करके स्टार्ट होके पिकअप लेती थी। लेकिन ये गाड़ी एक ऐसी आई थी जो एक ही जैसे ही हमने एक्सीलेटर पे पैर रखा कुछ सेकंड में ही ये 40-50 की स्पीड में चली जाती थी। तो उन्होंने इसके नाम को रखने के पीछे जो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, बजरंग बली जी हैं, उन्हीं के नाम को देखते हुए पवन के नाम पे ही वो मारुति नंदन थे, तो उसी के नाम पे रखा। भी ये हवा में उड़ जाती है गाड़ी। मारुति जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में वो स्मृतियाँ दौड़ने लगती है। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने मारुति कार में सफ़र ना किया हो। मारुति बनाने वाले का भी कमाल है और जिसने इसका नाम रखा मारुति उसको भी सलाम है। हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, एक अच्छी फैमिली हो और उसके बीच यदि उसका एक साधन हो तो उसके सपनों पर पंख लग ही जाते हैं। वैसे तो उसकी यह ख्वाहिश बचपन से ही शुरू हो जाती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी मेले या खिलौने की दुकान पर कार की जिद करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी यह जिद ड्रीम में बदल जाती है। आजकल बढ़ती कार की कीमतों को देखकर हमारी मन की इच्छा दब जाती है, लेकिन मारुति सुजुकी आपके लिए त्योहारों की श्रृंखला पर लेकर आया है बेहतरीन ऑफर जो शायद ही किसी व्यक्ति के सपनों से दूर हो। तो आइएगा, इंतज़ार किस बात का, त्योहारों के इस पर्व पर आप आ जाइए, मारुति सुजुकी की गाड़ी की खरीदारी कीजिए। तो आइए, मारुति गाड़ी की क्या खास विशेषता है, आखिर यह गाड़ी कितना दौड़ती है, यह कितना पेट्रोल खाती है, इस गाड़ी के फीचर्स क्या है, यह माइलेज कितना देती है, क्या यह हवा में बातें करती है, बस थकती क्यों नहीं, यह तमाम बातें हम मारुति कार के सेल्स मैनेजर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं सेल्स मैनेजर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपकी इस गाड़ी की खास विशेषता क्या है? हमारी इस गाड़ी की खास विशेषता ये है कि ये मॉडल अभी अभी मारुति ने लॉन्च किया है और इस गाड़ी को मारुति ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। जैसे कि पहले जो गाड़ी हमारी आ रही थी वो आ रही थी 2 एयरबैग के साथ और अब आ रही है 6 एयरबैग के साथ। इसका जो बेस मॉडल है जिसे हमारी भाषा में LXI कहते हैं, बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो मिल जाएगी और ऑटोमेटिक सेंटर लॉक मिल जाएगा और टॉप मॉडल तक आपको 6 एयरबैग ही चलेंगे। सर, इसकी माइलेज इस गाड़ी की कितनी है? इस गाड़ी की माइलेज है सर 25 किलोमीटर पर लीटर। इसमें कंपनी के द्वारा नया इंजन स्थापित किया गया है जिसे हम जेड सीरीज़ का इंजन कहते हैं, ब्रांडली न्यू। तो इसका जो इंजन है इस गाड़ी का, आखिर अन्य गाड़ियों से अलग कैसे है? अन्य गाड़ियों से हमारी गाड़ियों के इंजन अलग ही हैं, क्योंकि हमारे जो इंजन होते हैं वो मेंटेनेंस फ्री इंजन होते हैं, दूसरी गाड़ियों के मुकाबले हल्के होते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी की माइलेज ज़्यादा आती है। हमारी गाड़ियाँ मेंटेनेंस फ्री होती हैं। हमारी गाड़ियों की अगर आप टाइमली सर्विस करवाते रहेंगे तो हमारी गाड़ियाँ आपको 15-15 साल तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर ये जो गाड़ी है दौड़ती कितनी है? भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको, आप कह रहे हो ये गाड़ी दौड़ती कितना है, इसका नाम ही स्विफ्ट है। भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको, आप कह रहे हो ये गाड़ी दौड़ती कितना है, इसका नाम ही स्विफ्ट है। स्विफ्ट का मतलब तेज होता है, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के बारे में, यह पहले से ही तेज है। तो स्पीड आप चाहे इसको बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, कोई भी लो आप, इस गाड़ी की जो खासियत है एक सिग्नेचर रैप अराउंड डिज़ाइन है। मारुति गाड़ी को आखिर ग्राहक क्यों खरीदे? यह सर हमारी स्विफ्ट गाड़ी है जो अभी रिसेंटली न्यू लॉन्च हुई है। यह जी सबसे बढ़िया तो इसमें यह है कि इसका इंजन रिफाइन किया है कंपनी ने, Z12 इंजन आ रहा है इसका, ठीक है जी। और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, सिग्नेचर रैप अराउंड डिज़ाइन दिया है गाड़ी का, जिससे क्या है गाड़ी की बेहतरीन माइलेज है। इसका मैनुअल में 24.8 किलोमीटर पर लीटर है और ऑटोमेटिक में 25.80 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है सर।
ठीक है। अगर आप बात करें सीएनजी में भी अभी ये लॉन्च हुई है गाड़ी, अभी अभी आई है सीएनजी के अंदर, उसमें 32 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। जी सर, दिखाओगे एक बार आप मेरे को? हाँ जी, आइए। और आप भी अपनी फैमिली के संग यह गाड़ी लेकर निकल जाइए किसी लंबे टूर पर। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है मारुति सुजुकी, और इस समय मेरे साथ है मारुति सुजुकी के सीजीएम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मारुति ये जो कार है यानी ये कंपनी है, कितनी पुरानी है सर? ये मारुति कंपनी जो आई थी इंडिया के अंदर, एक्चुअली में इसको लाने के पीछे संजय गांधी जी का हाथ है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार होती थी तो संजय गांधी जी का सपना था कि भारत में भी लोग गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बड़ी सस्ती गाड़ी हो, तो उसी के लिए उन्होंने जापान की जो एक कंपनी थी सुजुकी कंपनी, उनके साथ एक टाई अप किया, एक कोलैबोरेशन किया, और उनके समझौते के तहत मारुति उद्योग कंपनी की स्थापना 1983 में की उन्होंने, और भारत में 40,000 रुपये की इस गाड़ी की मारुति 800 से शुरुआत हुई। वो एक तरह से गाड़ी की लाइन में एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं। आम आदमी तक गाड़ी के बारे में जो एक सपना था उस समय, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फेट और अम्बेसडर दो ही, हिंदुस्तान मोटर कंपनी दो ही कंपनियाँ होती थी, उसके बाद ये मारुति सुजुकी कंपनी आई, जो कि पहले मारुति उद्योग लिमिटेड था, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी थी। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच के इसको अब कंपनी की सुजुकी कंपनी है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का एक ही ध्येय था कि गाड़ी आम लोग तक पहुंचे, आम आदमी को जो गाड़ी का सपना है वो सच्चा हो। इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी सस्ती रिपेयर होती है, मिलती सस्ती है, पार्ट सस्ते हैं, रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं है, रीसेल वैल्यू है, इजीली अप्रोच है, और मारुति के नेटवर्क है, हर जगह जगह पर मिस्त्री है, इसलिए ये गाड़ी आम लोगों तक पहुंची है और भारत में एक क्रांति आई गाड़ी की। मारुति का तो आखिर कमाल है ही है, लेकिन इसका नाम है उसको भी सलाम है, मारुति यानी कि पवन सुत। हाँ, इसके पीछे भी जो नाम रखने का तर्क था मारुति का, तो जब उस समय संजय गांधी ने और ने सबने सोचा इसका क्या नाम रखा जाए, तो उनको आई क्योंकि ये गाड़ी जो पहले अपनी गाड़ी आती थी, अम्बेसडर आती थी या फिएट आती थी, तो आपने देखा होगा लोग उसको कई देर तक स्टार्ट करते थे, फिर हूँ करके स्टार्ट होके पिकअप लेती थी। लेकिन ये गाड़ी एक ऐसी आई थी जो एक ही, जैसे ही हमने एक्सीलेटर पर पैर रखा कुछ सेकेंड में ही ये 40-50 की स्पीड में चली जाती थी। तो उन्होंने इसके नाम को रखने के पीछे जो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, बजरंग बली जी हैं, उन्हीं के नाम को देखते हुए पवन के नाम पे ही, वो मारुति नंदन थे तो उसी के नाम पे रखा, भी ये हवा में उड़ जाती है गाड़ी, इसलिए इसके नाम मारुति रखा गया।